Now that you're gone, I spend my nights all alone here. Wishing you were here, sweet and my sphere. ब्लॉग तो आज है रक्षाबंधन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने रक्षाबंधन का ब्लॉग। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, मैं आ चुकी हूँ घर मम्मी पापा के, मैं के मतलब। तो ब्लॉग तो शुरू हो गया है और हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, शावर वगैरह ले लिया है, रेडी नहीं हुई हूँ अभी। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ये भी बता दो। तो थोड़ा थोड़ा सा रेडी होना शुरू कर दिया है, बस कपड़े जाके फटाफट से चेंज कर रही हूँ, सारा कुछ पूजा वगैरह कर ली है, सारा कुछ हो गया है, खाना वगैरह सारा कुछ भाभी बना रही है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ब्लॉग शेयर कर देती हूँ, उसके बाद ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद जो है अपने आगे काम को बढ़ाते हैं। तो फिलहाल मेरी मेहंदी बताओ पहले कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, पूरा ब्राइडल टाइप। बट ये नहीं लगाया मैंने अभी, ये जो होते हैं ना ये नहीं लगाए, बट अच्छी लग रही है, बहुत दिन बाद लगाई है। आज मैंने 6-7 महीने बाद जो है ना मेहंदी लगाई है। गर्मी बहुत है, फ़ैन ऑफ कर दिया, थोड़ी सी यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि हर जगह एकदम परफेक्ट लाइट नहीं हो सकती ना। सो अभी मैं बैठी हूँ पापा के रूम में। तो चलिए पहले हम लोग आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप लोग की रक्षाबंधन कैसी रही, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद ही ये ब्लॉग जो है वो आने जाने वाला है। और टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज है, कृष्णा जो है वो टीवी देख रहा है, तो इसको भी इग्नोर करिएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग किचन में देखते हैं कि भाभी क्या क्या बना रही है आज खाने में, उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ, फिर रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे बनी है सिवैयां जिसका भोग लगा दिया गया है। यहाँ पे बन गए हैं छोले, है ना, छोले या नहीं, हाँ यहाँ पे बन गए छोले। पूड़ी कचौड़ी भाभी बनाने जा रही है, ऑलमोस्ट सारा स्टाइल से खाओगे आप, है मम्मी जैसे खाती हो वैसे खाओ, मुंह खोल के आ बड़ा वाला।
पूजा की थाली वगैरह सारा कुछ लगा लिया है और छोटो भाई छोटे बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है ना फेस्टिवल की वो अलग ही होती है। कृष्णा को सुबह से बोल रहा था मम्मा मेरी राखी बांध दो, मम्मा मेरी राखी बांध दो, तो उसकी बहन ने उसके लिए राखी भेज दी थी। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले मैं तुम्ही को राखी बांध देती हूँ। तो उसका कहना था कि मम्मा मेरे को सारे लोग राखी बांधेंगे। छोटे बचपन में जब भाई लोग थे ना बहुत छोटे छोटे से, तो उनको भी बड़ा शौक होता था कि हमारे हाथों में बहुत सारी राखी हो। हमारे को शौक नहीं होता था, हमें तो ये शौक होता था कि हमें कौन क्या गिफ्ट देगा, कितने पैसे देगा। बट बच्चों के साथ ही मतलब त्योहार जो होते हैं बच्चों के लिए ही सारे ये त्योहार होते हैं और बच्चे ही इस त्योहार को दोगुना और अच्छा बना देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है फटाफट से मैं सबसे पहले कृष्णा को राखी में बांध दूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा उसको बहुत ज्यादा जल्दी थी, सबसे पहले मुझे बांधोगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे राखी बांध देती हूँ, उसके बाद फिर उसकी मामी का भी नंबर लगने वाला है। उस मामी को भी कह रहा था कि मामी मम्मा के बाद आप भी मेरे को राखी बांध देना ना, मामी से नानी से उसको सबसे राखी बंधवानी थी। और ये भी कहना था कि मुझे गिफ्ट क्या दूँ, तो मैंने कहा कुछ नहीं आप गिफ्ट मत दो, आप सब क्या कहते हैं सबको पारू कर देना, सारा गिफ्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि उसको लगता है कि सारे लोग गिफ्ट देते हैं ना मतलब राखी बांधने के बाद, तो मुझे भी देना चाहिए। बच्चे जैसा देखते हैं फिर उसी तरीके से वो लोग भी करना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं राखी बांध दूंगी, उसके बाद जो है यहाँ पे वो अपनी बहन की राखी दिखा रहा है। ये मिकी माउस मन है। किसने भेजी है राखी? मेरी बहन ने। अच्छी है ना? बहुत हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। लव यू कर दो बहन को यहीं से। आई लव यू बहन। दिखाओ राखी। कृष्णा की बहन ने तो राखी बड़ी प्यारी भेजी है ना? This bed that I'm in feels too big without you. Don't know how to quit thinking about you. Those green eyes, sweet lips, your hands on my hips, our puzzle pieces fit. These sheets, your smell, can't be by myself. I'm asking for your help.
What I need you to do is love me. Love me. What I need you to do is love me. Love me. We dance in the dark, but I see you clearly. Is a wreck when I don't have you near me. Now it's too late, too loud. We move. तो हमारे यहाँ पे भैया भाभी के यहाँ तो भैया भाभी को तो राखी बांधी ही जाती है, उसी के साथ साथ जो भी मम्मी पापा चाचा वगैरह होते हैं ना, लड़कियां जो है हमारे घर में उनको भी राखी बांधी जाती है। आप लोगों के यहाँ से लोगों के यहाँ पे शायद ऐसा होता हो या नहीं होता हो, लेकिन मेरे यहाँ पे भाभी वगैरह को भी राखी बांधी जाती है और बेटियां जो है वो पापा को मम्मी को चाचा ताऊ जो भी होते हैं सभी को राखियां बांधती हैं। आप लोगों के यहाँ पे भी अगर होता है तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है बस फटाफट से जो राखी वगैरह बांधना होता है, निछावर वगैरह करनी होती है, पैर छूना वगैरह होता है, वो सारा कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ फटाफट से। तो डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और शाम को हो रही है हमारी पिज्जा की पार्टी, और उसके थोड़ी ही देर बाद जो है मम्मी के भाई आ गए थे, मतलब मेरे मामा जी आ गए थे। वो रात में आए थे क्योंकि उनका ऑफिस था, तो वो रात में आए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर रही थी, ऑलरेडी ब्लॉग जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो चलिए आप बात करिए पहले। वगैरह हो गई है और मामा आज लेट आए थे, तो मतलब मैं डायरेक्ट आपसे अब मॉर्निंग के बाद रात में बात कर रही हूँ। कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, राखी वगैरह बांधने के बाद चेंज कर दिए थे क्योंकि कहीं जाना नहीं था, प्लान बना था जाने का, फिर हमें लगा कि नहीं जाना सेफ नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। फिर हम लोग कहीं नहीं थे, हमने घर में ही फ़ोटोशूट वगैरह किया, खाना वगैरह किया, मतलब बाहर से ही मंगा लिया था हम लोगों ने सेफ्टी के साथ। तो मामा के भाई आए थे, छोटे वाले मामा हैं ये मेरे, वो आए थे क्योंकि उनकी ऑफिस था, तो वो रात में आए, राखी बंधवाई, हम लोगों ने पार्टी वगैरह की, पिज़्ज़ा वगैरह खाया। अब शायद ही हम लोग डिनर करने वाले हैं, मैं तो नहीं करने वाली। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतना कलर मुझे मेहंदी में पसंद है,
ना तो ज़्यादा हल्की, जो पीला कलर होता है ना वो भी मुझे पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा काली वाली वो भी मुझे पसंद नहीं है, बस इतना कलर मुझे पसंद है। और ये चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने रात में फिल नहीं कर पाई थी, मेहंदी रखी थी तो मैंने अभी लगा ली एक हाथ में, मैंने कहा लगा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मेहंदी। आप में से किस किस को पसंद है मुझे बताना ज़रूर। तो मैंने सोचा सुबह से मॉर्निंग में मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस छोटे से ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, मेरी मेहंदी के लिए ज़रूर बताना ना। और ये मेरी एक मतलब नेबर्स रहते हैं हमारे घर के पास ही, उसी ने मतलब लगाई है, ये बहुत प्यारी मेहंदी लगा लेती हूँ, पूरी ब्राइडल मेहंदी वगैरह सब कुछ लगा लेती हूँ। इवन वो कह रही थी दीदी मैं ब्राइडल मेहंदी, मैंने कहा नहीं ब्राइडल मेहंदी मेरी क्या शादी होने जा रही है, बट हाँ अच्छा लगता है तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। तो वो मेरे पास एक मेरा लास्ट ब्लॉग में जब मैंने किया था तो बहुत एक ने बोला था दी अपना मतलब अपने मैके का घर का हाउस टूर कराओ, तो शायद इस बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे लगता है ये लास्ट ब्लॉग होगा, मुझे कल निकलना होगा क्योंकि कृष्णा की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मिस हो, क्योंकि वैसे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है जैसे मतलब नॉर्मल हम स्कूल में जाके बच्चे कर लेते थे, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी जो क्लासेस हैं वो मिस हो या कोई चीज़ मिस हो, तो इस वजह से। और ऑनलाइन चल रही है, लैपटॉप ला सकती थी बट लैपटॉप नहीं लेके आई, और मैं घर पे ही मतलब लेकर आई थी बट हस्बैंड को भी काम वगैरह रहता है, तो इस वजह से। तो क्या कह रही थी, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और मैं फ़ैन बंद करके यहाँ पे कमरे में आई हूँ, मैंने कहा पहले ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और उसके बाद जो है मैं कुछ नहीं, उसके बाद हमें सोना है डायरेक्ट, और कल देखती हूँ घर निकलूँगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हम इसी तरीके से रक्षाबंधन मनाते हैं। और आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा ये भी जरूर बताइएगा, बहुत सी बहनें हैं जो इस बार नहीं जा पाई हैं ड्यू टू दिस सिचुएशन आई नो, तो कोई बात नहीं अगली बार मना लेंगे, लेकिन सही है ना जो जा पा रहा है ठीक है सेफ्टी के साथ, और जो नहीं जा पा रहा कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे ही बन जाएगा, भाई बहन का प्यार हमेशा इसी तरीके से बना रहेगा, दूर रहो चाहे पास रहो, बहन भाई का प्यार तो यार कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो बट मेरा घर बहुत पास में है, मतलब मेरा आप मान लो आधा घंटा भी नहीं लगता कुछ इस तरीके से, काफ़ी कम डिस्टेंस में मेरा घर, तो मैं तो आई जाती हूँ फिर, बट अभी भी मैं इस बार 6 महीने बाद आई हूँ। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा लास्ट, होली वाला ब्लॉग देखा होगा, होली वाले ब्लॉग को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बहुत ज़्यादा, तो मैं आशा करती हूँ कि इस वाले ब्लॉग को भी आई होप कि आप आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। और आई थिंक फर्स्ट है इस बार मेरी भाभी के साथ मेरी राखी, क्योंकि वो हर बार मायके चली जाती हैं, इस बार वो भी अपने मायके नहीं गई हैं, तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम, मेरे को याद नहीं आ रहा। सो चलिए बातें बहुत हो गई हैं, लास्ट ब्लॉग में हम बातें करेंगे, नहीं तो कोई ना कोई कमेंट कर देगा कितनी बातें करती हो। तो चलिए आई होप आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।